तुर्की के जंगलों में लगी आग का पता अब तक नहीं लग पाया है कि आखिर ये आग क्यों लगी, लेकिन इस आग ने तुर्की को भयानक नुकसान पहुंचा दिया। अब तक इस आग के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग बेघर हो गए। 28 से 30 जुलाई के बीच 3 दिनों में कम से कम 17 तुर्की शहरों में 71 से अधिक जंगल में आग लग चुकी है, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नजरअंदाज करेंगे। आखिरकार ये आग है जो अलग अलग जगहों पर लगी, लेकिन लगभग एक ही समय में मानवगत से मारमारिस और बोडरम तक हुई। दमकल कर्मियों द्वारा किए गए नॉनस्टॉप प्रयास से 57 जगह पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कम से कम 1140 स्थान अभी भी जल रहे हैं। स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयासों में अवश्य योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वे निजी वाहनों में साइटों तक पानी ले जाते हैं। इस बीच तुर्की में लगी विभिन्न शहरों में जंगल की आग के कारणों की जांच कर रही है। तुर्की में लगी इस आग के लिए अधिकारी पीकेके की भूमिका के एंगल को भी लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पीकेके एक सशस्त्र समूह है जिसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उसका जंगलों में आग लगाने का पुराना इतिहास रहा है। जानकारों का मानना है कि जंगल में आग लगने के दो कारण होते हैं, या तो ये आग गर्मी की वजह से, या फिर जंगलों में घूमने आए पर्यटकों द्वारा छोड़े गए पटाखे यानी क्रैकर्स की वजह से लगती है। साथ ही हवा आग को फैलाने का काम करती है, लेकिन इतनी सारी जगह और इतनी जल्दी आग लग जाए और फैल जाए, इस पर शक होता है। ये प्राकृतिक नहीं, शायद इसके पीछे मानवीय शरारत हो।